Subscribe my channel and press the bell icon to be the first one to watch my latest videos. Hey guys, this is Kirat और इस वीडियो में मैं आज तीन जो सबसे पॉपुलर स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं इंडिया में उनका एक कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स इन तीनों सर्विसेज के निकाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कौन सी स्ट्रीमिंग सर्विसेज कैसे काम करती है और कौन सी वर्थ है अपने प्राइस के लिए या नहीं। तो सबसे पहले हम सबसे कॉस्टली वाली सर्विस पे जाएंगे जो कि है नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स का प्राइस स्टार्ट होता है 500 पर मंथ से और जाता है 800 पर मंथ तक। इसमें आपको जो 500 वाला प्लान है उसमें HD मिलता है और HD नहीं मिलता है। जो नेटफ्लिक्स का अपना क्वालिटी वो है उसके हिसाब से आपको HD नहीं मिलता है। तो उससे एक ऊपर आप प्लान चले जाएंगे जो 600 का है, 650 का है शायद। तो उसमें आपको HD मिल जाएगा और आप दो स्क्रीन्स पे इकट्ठे देख पाएंगे नेटफ्लिक्स। और जो सबसे महंगा प्लान है 800 रुपीज़ का, उसमें आपको चार स्क्रीन्स मिलेंगी और 4K सपोर्ट मिलेगा, जिसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो नेटफ्लिक्स पे मोस्टली जो नेटफ्लिक्स है अपने ओरिजिनल कंटेंट के लिए फेमस है, जिसको नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स बोलते हैं। तो ये बहुत सारा नेटफ्लिक्स का कंटेंट है और आप देख सकते हैं ये इधर। अब इंडिया में भी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स शुरू हुए हैं जो कि अभी सिर्फ कॉमेडी पे लिमिटेड हैं, पर शोज़ भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये सिर्फ नेटफ्लिक्स पे हैं, मतलब ये कहीं TV वगैरह पे नहीं आते, तो नेटफ्लिक्स के अपने प्रोड्यूस हैं। तो ये नेटफ्लिक्स की एक स्पेशलिटी है। और जो हिंदी कंटेंट है नेटफ्लिक्स पे वो बहुत कम है, या मैं कहूँगा कि कम भी है तो वो है भी सही तो बहुत पुराना है। जैसे ये न्यू रिलीजेस में अभी ये एक दो, मतलब ऐसे काफ़ी पुरानी मूवीज़ जो अब हो चुकी हैं, जो काफ़ी पुरानी मूवीज़ हो चुकी हैं वो ही इधर हैं। इतना कुछ लेटेस्ट कंटेंट इधर हिंदी का ऐड नहीं होता। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत कलेक्शन है अगर मैं इधर सर्च करूँ। ये हैं बॉलीवुड की मूवीज़, जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुरानी मूवीज़ हैं और सबसे लेटेस्ट मूवी मेरे को लगता है यही दो चार ही हैं और तो कुछ है नहीं। तो ये नेटफ्लिक्स था। तो नेटफ्लिक्स 500 रुपीज़ में आपको तभी वर्थ लगेगा अगर आप हॉलीवुड कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप हिंदी या फिर बॉलीवुड कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो नेटफ्लिक्स पे अभी कुछ नहीं है। और ये एक फ़नी बात है कि जो नेटफ्लिक्स USA का है उसमें हिंदी कंटेंट इंडिया वाले नेटफ्लिक्स से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर थोड़ा वो इशू भी है, आता है नेटफ्लिक्स को राइट्स ऑब्टेन करने में। तो अगर आपको हॉलीवुड कंटेंट में ही इंटरेस्ट है तो, और हॉलीवुड कंटेंट भी इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, तो सिर्फ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ही इधर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग पॉइंट कह सकते हैं। बाकी इंडिया के हिसाब से इंडियन कंटेंट अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर एक प्राइम वीडियो का एक और प्लस पॉइंट है, अगर आप पुराने हिंदी कार्टून्स में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आपको सारे टाइप्स के कार्टून्स हिंदी में मिल जाएंगे, जो कि ये शिनचैन, डोरेमोन और ये सब निंजा थोड़ी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जो कि मेरे को बहुत पसंद आया। क्योंकि अगर आप ये ढूंढेंगे तो आपको ये देखिए, मतलब ये बहुत सारा कंटेंट है, ये सारे एपिसोड्स हैं, मतलब ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप YouTube पे भी जाएंगे उधर आधा अधूरा सब कुछ पड़ा है, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कहीं भी हिंदी कार्टून्स जो TV पे आते हैं वो आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ पर आपको इंडियन शोज़ भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मिल जाएंगे। तो प्लस पॉइंट है अगर आपको कार्टून्स और जो भी आपको ये हिंदी सीरियल्स वगैरह भी इधर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर हिंदी अभी अमेज़ॉन ने अपना ओरिजिनल भी निकाला है जिसका नाम इनसाइड एज है। तो ये हिंदी में पहली ओरिजिनल वो है स्ट्रीमिंग सर्विस ने बनाई है। जो
तो जो सेकंड ऐप है वो है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो। तो यहाँ पर यह सबसे बैलेंस्ड स्ट्रीमिंग सर्विस है अभी अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि जब मैंने इस पे पहली वीडियो बनाई थी तब इस पे बिल्कुल ही बेकार सा कंटेंट था, पर अब अगर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो यहाँ भी नेटफ्लिक्स के जैसे अमेज़ॉन के अपने ओरिजिनल शोज़ हैं जो कि प्राइम वीडियो में इंक्लूडेड हैं, तो वो अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स का दोनों का ही अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और सारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट ही इंक्लूड करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो ब्रिज है नॉर्मल हॉलीवुड कंटेंट का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि आप ऐसा आपको दिखने लगेगा कि सेम वीडियो सेम मूवी इधर भी है और नेटफ्लिक्स पे भी है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा कि आपको नेटफ्लिक्स पे ही मिल रही हैं मार्वल की मूवीज़, प्राइम वीडियो पे बिल्कुल भी नहीं है। तो धीरे धीरे ये गैप ब्रिज होगा इसके वजह से, जो कि सब अपने ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं ताकि सबके पास अपना यूनिक चीज़ें हों। तो अमेज़ॉन का ओरिजिनल कंटेंट, और अमेज़ॉन ने अभी बहुत सारे शोज़ भी ऐड किए हैं जिनमें ये एक प्लस पॉइंट है कि जो भी इधर एडिशन है वो अप टू डेट है, लेटेस्ट है। बल्कि अगर नेटफ्लिक्स में देखें तो वहाँ पर इनकम्प्लीट सीजन्स हैं, इनकम्प्लीट कंटेंट भी है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो आपको काफ़ी शोज़ ऐसे मिलेंगे जिनका एक या दो सीज़न मिसिंग होंगे। तो ये देखिए, तो सीज़न 4 यहाँ से मिसिंग है और काफ़ी टाइम हो चुका है सीज़न 4 को आए हुए, पर अभी तक इधर नहीं आया है। तो यहाँ पर जो प्राइम वीडियो है वहाँ पर जो भी सीरीज़ हैं वो कंप्लीट हैं, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो इनकम्प्लीट है या मिसिंग है। तो मैं बैलेंस इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हिंदी मूवीज़ की कलेक्शन है, चाहे लेटेस्ट का भी कलेक्शन अच्छा है, पर जो कलेक्शन है एक जो के पुरानी मूवीज़ का और जो पिछले साल, मतलब वो सब मिलाकर जो कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। तो मतलब इतनी पुरानी नहीं है जितनी मतलब नेटफ्लिक्स पे काफ़ी पुरानी हिंदी मूवीज़ हैं। तो ये एक बैलेंस्ड कंटेंट है। और हॉलीवुड में भी जैसे अभी अभी हैरी पॉटर की सारी सीरीज़ ऐड हुई है, तो ऐसे ऐसे सब कंप्लीट कंटेंट सीरीज़ वगैरह मतलब सब कुछ एडेड है प्राइम वीडियो में। तो इसलिए, और ये सबसे चीपेस्ट सर्विस है जो कि है सिर्फ 41 रुपीज़ पर मंथ, या आपको लेना ही पड़ेगा 1 ईयर का तो 500 रुपीज़ पर ईयर। और उसमें आपको अमेज़ॉन की फ्री डिलीवरी भी मिलती है 1 डे और 2 डे, और डील्स पे भी 30 मिनट्स का अर्ली एक्सेस मिलता है, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अगर आप एज्यूम करते हैं आप अमेज़ॉन से एक भी चीज़ मंगा लेते हैं तो उस पर आपको 40 रुपीज़ का डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। तो अगर आप एक से ज़्यादा मंगाते हैं, एक मंगाएंगे तो मतलब आपको 40 रुपीज़ भी कवर हो जाएंगे। मतलब एक तरह से ये बहुत ही वर्थ है अगर आप अमेज़ॉन यूज़ करते हैं, और नहीं भी करते तो 40 रुपीज़ पर मंथ सबसे लोएस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस का प्राइस है। तो अब लास्ट जो है हमारे पास हॉटस्टार है, तो ये भी नेटफ्लिक्स से चीप है पर प्राइम वीडियो से महंगा है, जो कि अभी इसका बंडल में अगर आप 10 मंथ्स का लेते हैं तो अभी इसका प्राइस 100 रुपीज़ पर मंथ आ रहा था, जिसमें अभी हम बात करते हैं क्या क्या इंक्लूडेड है। तो हॉटस्टार उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अगर आप क्रिकेट मैचेस इधर देखेंगे एज अ फ्री यूज़र तो आपको सिर्फ तो आपको 5 मिनट का डिले मिलेगा, पर 5 मिनट्स का डिले मिलेगा। अगर आप वो लेंगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन तो आपको 5 मिनट का डिले नहीं मिलेगा, जो कि स्पोर्ट्स फैंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो 100 रुपीज़ पर मंथ में आपको अगर स्पोर्ट्स भी सिर्फ देखनी है, क्योंकि इधर फुटबॉल मैचेस और क्रिकेट मैचेस और सारी स्पोर्ट्स स्ट्रीम होती हैं, तो आप ये ले सकते हैं। बाकी हिंदी कंटेंट का जो कलेक्शन है प्राइम वीडियो पे वो ज़्यादा अच्छा है। जो यहाँ पर हिंदी मूवीज़ हैं वो भी वैसे ही नेटफ्लिक्स जैसे पुरानी हैं, या फिर मतलब कलेक्शन ही बेकार है। तो अगर पुरानी मूवीज़ भी हैं वो भी अच्छी अच्छी पुरानी मूवीज़ नहीं हैं। तो अगर सिर्फ आप हिंदी कंटेंट हिंदी मूवीज़ के लिए लेना चाहते हैं तो हॉटस्टार बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। पर अगर आप हिंदी सीरियल्स के लिए लेना चाहते हैं तो हॉटस्टार
पे सारे आपको हिंदी सीरियल्स मिल जाएंगे जो कि टीवी पे आते हैं, स्टार प्लस सोनी वगैरह पे आते हैं, वो आपको सारे इधर फुल मिल जाएंगे। तो अगर आप हिंदी सीरियल्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट हॉटस्टार ही है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने भी अभी एक आधा बस हिंदी टीवी सीरियल ऐड किया है, पर इधर आपको ए टू जेड सारा कुछ मिल जाएगा ऑलमोस्ट, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं। और 100 रुपीज़ पर मंथ में आपको ये, अगर आप सिर्फ सीरियल्स भी देखना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला कि स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं, तो भी ठीक प्राइस है 100 रुपीज़ पर मंथ कंपेयर्ड जो 500 नेटफ्लिक्स का है। तो अगर आप हिंदी सीरियल्स में इंटरेस्टेड हैं तब भी हॉटस्टार आपके लिए बिल्कुल वर्थ है। पर यहाँ पर हॉटस्टार में से एक सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो है कि जो ऐप है वो बिल्कुल भी पॉलिश नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें मिसिंग है ऐप के अंदर से, जो बेसिक चीज़ें होती हैं एक स्ट्रीमिंग सर्विस, मतलब स्ट्रीमिंग सर्विस लोग जिस लिए मतलब प्रेफर करते हैं वही चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इसमें एयरप्ले, क्रोमकास्ट या कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास कोई भी स्ट्रीमिंग डिवाइस है, जैसे मेरे पास एप्पल टीवी है, तो आप उस पर कोई भी कंटेंट हॉटस्टार का नहीं चला सकते। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे लिए, क्योंकि ये स्ट्रीमिंग सर्विस का बेसिक पॉइंट है कि आप अपने टीवी पे देख पाएँ। तो अगर आप वही नहीं कर सकते तो स्ट्रीमिंग सर्विस मतलब एक तरह से किस काम की हुई। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप किसी एक डिवाइस पर कुछ देख कर छोड़ते हैं और अपने दूसरे डिवाइस पर उठाते हैं जो कि हॉटस्टार जिस उस पर भी है और वहीं से कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप वो भी नहीं कर सकते। इसमें रिज्यूम वॉच का नहीं है, मतलब अगर आप इसी डिवाइस पर कुछ देख कर रिज्यूम करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा, वो भी कभी कभार नहीं होता। वो भी अगर आप चलते चलते इधर, जैसे मैंने इसको कुछ मैं देख रहा था और मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया, तब वो मेरे रिज्यूम वॉचिंग में जाएगा ही नहीं, मतलब मेरे को वो हमेशा अपने आप ही ढूंढ कर बफर कर कर के वो जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ से मैंने लास्ट छोड़ा था देखना जो भी मैं देख रहा था। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। और मतलब ये तो स्ट्रीमिंग सर्विस का बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है कि आपने एक डिवाइस पर कुछ देखा और दूसरे पे आप वो कंटिन्यू कर सकें, अपने टीवी पे कंटिन्यू कर सकें। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं इस पूरी हॉटस्टार ऐप में, बहुत बगी है। तो ये बस मुझे ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगता है। पर यहाँ पर हॉटस्टार आपके लिए तभी है कि अगर आप हिंदी सीरियल्स में इंटरेस्टेड हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स में इंटरेस्टेड हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया है हॉटस्टार का। तो अगर मैं बॉटम लाइन पे आऊँ तो तीनों ही स्ट्रीमिंग सर्विसेज के अपने अपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। नेटफ्लिक्स के पास अपने बहुत सारे ओरिजिनल सीरीज़ और मूवीज़ हैं, जिसमें हिंदी सीरीज़ भी जल्दी ही ऐड होंगी। प्राइम वीडियो के पास भी बहुत सारी अपनी खुद की एक्सक्लूसिव कंटेंट है, जिसमें एक हिंदी सीरीज़ भी ऐड हो ही चुकी है। हॉटस्टार ने भी अपनी एक एक्सक्लूसिव जो कि सारभाई वर्सेस सारभाई टेक टू, वो पहले अपनी इंट्रोड्यूस कर दी है। तो तीनों ही स्ट्रीमिंग सर्विसेज अपना बेस्ट ट्राई कर रही हैं कि आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट दें। पर नेटफ्लिक्स यहाँ पर 500 रुपीज़ पर मंथ में एक ओके प्राइस पर है, पर अगर आप इसको दोनों से कंपेयर करते हैं तो ये आपको काफ़ी महंगा लगेगा। तो आप अगर नेटफ्लिक्स ओरिजिनल में इंटरेस्टेड हैं, नेटफ्लिक्स ओनली हॉलीवुड कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, तब आप नेटफ्लिक्स को कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स में और हिंदी सीरियल्स में या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स में इंटरेस्टेड हैं तो हॉटस्टार आपके लिए, या फिर आपको एक बैलेंस्ड सर्विस चाहिए जो कि अमेज़न प्राइम वीडियो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट और सबसे वर्थ है, या फिर आप अगर मेरी तरह हैं जिसको तीनों ही चीज़ें साइमल्टेनियसली चाहिए, तो आप तीनों भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स का स्टैंडर्ड लेंगे तो 500 और प्राइम वीडियो लेंगे तो 40 पर मंथ और हॉटस्टार लेंगे तो 100 पर मंथ, तो सिर्फ 640 रुपीज़ में आपको सारा कंटेंट मिल रहा है। पर अगर आप स्पेसिफिक इंटरेस्टेड हैं तो आप इनमें से एक ले सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको आंसर दे दूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।